हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पार्टीशन ऑफ अ सेट, ऑर्डरेटेड पार्टीशन क्या होता है और अनऑर्डरेटेड पार्टीशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये पार्ट सबसे ऑर्डरेटेड पार्टीशन और अनऑर्डरेटेड पार्टीशन को समझने से पहले हम लोग पहले पार्टीशन समझेंगे और फिर हम ऑर्डरेटेड पार्टीशन समझेंगे, फिर जाके हम अनऑर्डरेटेड पार्टीशन को समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन सपोज करो कि हमारे पास कोई n साइज का कोई सेट है जिसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किसमें? डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करना है। डिसजॉइंट्स का मीनिंग आप जानते हो कि दो सेट जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उस सेट को क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। वी विश टू डिवाइड द सेट इनटू सेट ऑफ साइज n इनटू द डिसजॉइंट सबसेट, हमें डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लिया है, मान लो आपके पास सिक्स फ्रेंड्स है जिनका नाम है एलन, केसी, मैगी, सेथ, रूजर और बेथ। ये छह फ्रेंड है आपके पास, अच्छा। एंड यू हैव अ वॉलंटियर टू हेल्प द फंड राइजिंग शो। उन्होंने क्या किया है, वो छह फ्रेंड ने फंड राइजिंग शो के लिए वॉलंटियर बने हैं, अच्छा। वन ऑफ देम विल हेल्प द प्रोग्राम एट द डोर। कुछ फ्रेंड क्या करेंगे, एक फ्रेंड आपका डोर पे खड़ा रहेगा, दूसरा क्या है, टू विल रिफ्रेशमेंट स्टैंड रन रिफ्रेशमेंट स्टैंड, दो स्टूडेंट रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे रहेंगे, और थ्री विल हेल्प द गेस्ट टू फाइंड देयर सीट्स, और क्या करेंगे, तीन हेल्प करेंगे फ्रेंड्स को, थ्री हेल्प करेंगे गेस्ट्स को उनके सीट ढूंढने में, ठीक है। इन असाइनिंग द फ्रेंड टू देयर ड्यूटीज वी नीड टू डिवाइड द पार्टीशन ऑफ सिक्स फ्रेंड इनटू द डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ थ्री टू वन। मतलब कि अगर हमें स्टूडेंट्स को उनकी ड्यूटीज देनी है, छह स्टूडेंट्स को उनकी ड्यूटी देनी है थ्री टू वन के सेट में, थ्री कहाँ पे रहेंगे, तो थ्री फ्रेंड्स हमारे यहाँ, थ्री विल गेस्ट को हेल्प करेंगे सीट ढूंढने में, टू फ्रेंड क्या करेंगे रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे रहेंगे, और वन फ्रेंड डोर पे रहेगा, ठीक है। तो हमें सिक्स फ्रेंड को डिवाइड करना है सिक्स डिसजॉइंट सबसेट में जिसकी साइज थ्री टू वन हो, ठीक है। थ्री टू वन सिक्स हो जाते हैं तो सिक्स को हमें डिवाइड करना है थ्री टू वन। तो हम ये कितने वे से कर सकते हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वे टू डू दिस, हमारे पास बहुत सारे वे है इस काम को करने के, फ्यू ऑफ देम लिस्टेड बिलो। देखो यहाँ पे हमने लिस्ट कर दिया है, डोर स्टोर पे खड़े होने वाला, मान लो ये ए अपना एलन है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे जो खड़ा है वो केसी और मैगी है, और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे सेथ, रूजर और बेथ, ये यूजर्स यूजर क्या कर रहे हैं, गेस्ट को हेल्प कर रहे हैं उनके सीट को ढूंढने में, अच्छा। अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे एलन की जगह नहीं को केसी को भेजा, और एलन और सेथ को मैंने रिफ्रेशमेंट स्टैंड के लिए, मैगी, रूजर और बेथ को मैंने क्या गेस्ट को उनके सीट ढूंढने के लिए भेज दिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आएंगी ऑर्डर में, ठीक है। ये पांच पॉसिबिलिटी आपको दिखा रही है, ये इतने ही पॉसिबिलिटी है, और भी आप डिफरेंट पॉसिबिलिटी फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, इट विल इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टू थिंक द अदर पॉसिबिलिटी। आप इसके अलावा भी कई सारी पॉसिबिलिटीज बता सकते हो इसके अंदर, ठीक है। हाउएवर वी नो द एक्सपीरियंस दैट इट इज इजियर टू काउंट, ये इजी है काउंट करना, ठीक है, यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल देन अ लिस्ट ऑफ, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली बाय ब्रेकिंग इनटू द सिंपल स्टेप। हम यही टास्क को, हमारे टास्क क्या है कि हम कितने वेज हमारे पास है कि छह फ्रेंड को अलग अलग वे में पार्टीशन करें या डिवाइड करें, उनके कामों को दे, ठीक है। तो अब देखो हम पार्टीशन कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्टेप नंबर वन में चूज करेंगे थ्री फ्रेंड को, सिक्स में से थ्री फ्रेंड को चूज करेंगे। थ्री फ्रेंड कहाँ पे जाएंगे, गेस्ट को हेल्प करेंगे ना, यूजर्स में जाएंगे, ठीक है, मतलब गेस्ट को हेल्प करेंगे उनके सीट ढूंढने में वो। तो हमने पहले छह फ्रेंड में से थ्री फ्रेंड को चूज कर रहे, इसलिए हम लोग देखो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, सिक्स टू थ्री, तीन फ्रेंड को चूज करे तो वो किससे होगा, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, और सिक्स माइनस थ्री करोगे तो कितने आएंगे, थ्री फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तीन छह में से तीन फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया, तो वो कितने वे से डन हुआ, सिक्स सी थ्री वे से डन हुआ। फिर उसके बाद स्टेप नंबर टू, अब स्टेप नंबर टू में हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप नंबर टू में हम दो टू फ्रेंड को सिलेक्ट कर रहे हैं,
हमारे पास बचे कितने, तीन फ्रेंड सिलेक्ट कर ले तो बचे कितने, तीन फ्रेंड बचे, तीन में से हम दो फ्रेंड को कहाँ पे रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे खड़ा करेंगे ना, रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो वो कितने वैसे होगा, बचे कितने हैं हमारे पास, तीन फ्रेंड बचे हुए हैं क्योंकि तीन फ्रेंड तो यहाँ पे पहले काम के लिए लग गए, अब तीन फ्रेंड बचे हुए हैं तो तीन फ्रेंड में से दो फ्रेंड को चूज करना है, रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हमें कितने भेजने हैं, दो ही भेजने हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तीन में से दो फ्रेंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये कितने वे से डन होगा, तो ये C3C2 वे से डन होगा, जो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 करूंगा तो 1 फैक्टोरियल, मतलब इतने वे से डन होगा। तो अब बचे कितने हैं, तीन यहाँ पे चले गए, दो यहाँ पे चले गए, अब बचा एक फ्रेंड ना, तो एक फ्रेंड के लिए तो C1C1 आ जाएगा, जो हमारा क्या है 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमारे पास 6 फ्रेंड थे, तो सबसे पहले मैंने 6 फ्रेंड में से तीन फ्रेंड को क्या किया, सिलेक्ट किया ना, तो बचे कितने, तीन फ्रेंड, तो तीन फ्रेंड में से फिर मैंने दो फ्रेंड को सिलेक्ट किया दूसरे टास्क के लिए, फिर लास्ट वाले टास्क के लिए एक ही फ्रेंड बचा था और एक ही को सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पे इतने वे से डन हुआ। ठीक है, 1C1 से डन हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें ये सारे टास्क एक साथ करने हैं, तो हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या करेगा, वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ वे वी कैन स्प्लिट द ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड, हम 6 फ्रेंड को क्या करेंगे, ग्रुप में स्प्लिट करेंगे टू सबसेट ऑफ 2 3 1, हम क्या कर रहे हैं, वी फाइंड द नंबर ऑफ वे वी कैन स्प्लिट द ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड इंटू द सेट 3 2 1, मतलब 6 फ्रेंड को हम 3 2 1 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे क्योंकि सारे टास्क एक साथ कर रहे थे, पहले 3 फ्रेंड को, फिर 2 फ्रेंड को, फिर 1 फ्रेंड को, तो अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया, यहाँ पे देखो लिखा है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, 6 3 6 6 चूज 3 ना, 3 में से 2 को चूज करना है, 1 में से 1 को करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया ना। अच्छा अब ध्यान से आप देखोगे कि ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे कैंसिल किया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये 3 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर में 60 भी आ जाएगा, जो यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पार्टीशन समझ गए हैं, तो अब पार्टीशन को यहाँ पे हम फॉर्मल वे में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास 6 फ्रेंड थे, कौन से 6 फ्रेंड थे, एलेन, केसी, मैगी, सेथ और रोजर, और मेरे पास टास्क था कि उनमें से मुझे अरे क्या करना है, एक को मुझे डोर पे खड़े करना है, दो को मुझे रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे, और तीन फ्रेंड को मुझे गेट्स के हेल्प करने के लिए रखना है, तो मुझे 3 2 1 में डिवाइड करना था 6 फ्रेंड को, 3 2 1 में। ठीक है, तो मैंने कितने वे से किया, तो सबसे पहले मैंने 6 में से 3 फ्रेंड को सिलेक्ट किया तो इतने वे से डन हुआ, फिर बचे कितने, 3 फ्रेंड, तो 3 फ्रेंड में से मैंने 2 को सिलेक्ट किया रिफ्रेशमेंट स्टैंड के लिए, फिर लास्ट में मेरे पास 1 फ्रेंड बचा तो 1 में से 1 को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो फिर हमने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज किया तो आंसर मेरे पास ये आया, 60 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको पार्टीशन समझ लेते हैं। ठीक है, अब जनरल फॉर्म पार्टीशन क्या होता है हमारे किसी सेट का, मान लो ये सेट हमारा क्या है, कोई एस सेट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको पार्टीशन कर रहे हैं के नॉन एम्प्टी सबसेट्स में, इसमें डिवाइड कर रहे हैं के नॉन एम्प्टी सबसेट्स में, जैसे मैंने यहाँ पे A1 A2 AK, यहाँ पे के सबसेट्स हैं, वहां पे हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में कितने सेट थे, 3 सेट थे, यहाँ पे के सबसेट हैं, और देखो सारे के सारे सेट डिसजॉइंट होने चाहिए, जो यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए जे कितना आ रहा है आपका, एम्प्टी आ रहा है, तो सारे के सारे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितने भी ये सबसेट्स हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट के बाद फिर हमने क्या देखा कि अगर मैं इन सबका यूनियन ले रहा हूँ, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कर रहा हूँ और डॉट डॉट AK कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा एस सेट आ जाना चाहिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ भी रहा है ना, जैसे अगर देखो यहाँ पे 3 फ्रेंड लिया, 3 2 1 इनको यूनियन करोगे 3 2 1 6 फ्रेंड और 6 आ जाएंगे आपको ना, इसी तरह से A1 A2 AK
इन सब का यूनियन करूंगा तो मेरे पास एस सेट के बरोबर सेट आ जाने चाहिए। ठीक है, अब हम पार्टीशन डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, द पार्टीशन डिस्क्राइब्ड अबो इज ऑर्डरेटेड। हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने किया। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्वाइपिंग A1 A2 गिव द डिफरेंट पार्टीशन। अगर हम बदल देते A1 A2 A3 को हम चेंज करते हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन मिलेंगे। जैसे A1 सेट को पहले, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने पहला यूजर्स के लिए लिया था ना, जो हेल्प करेंगे गेट्स को सीट फाइंड करने में, और फिर हमने यहाँ पे रिफ्रेशमेंट स्टैंड को लिया था, फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, फिर हमने यहाँ पे लास्ट वाले के लिए जो डोर पे खड़े रहेंगे उसको लिया था। तो अगर मान लो इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट वे से कर सकते थे। पहले मान लो हमने रिफ्रेशमेंट स्टैंड के लिए 2 निकालते तो कितने आते, 6 चूज 2 आ जाते। ठीक है, तो अगर हम लोग ने A1 A2 को, देखो यही बोल रहा है, अगर हमने स्वाइप किया A1 A2 A2 को स्वाइप किया तो डिफरेंट पार्टीशन आ जाएंगे ना। तो हम लोग को ऑर्डरेटेड पार्टीशन कम अप व्हेन द डिफरेंट सबसेट ऑफ द पार्टीशन हैव द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश देम इन ईच अदर। उनको हम लोग क्या कर सकते, अलग अलग पार्टीशन में ले सकते। ऑर्डरेटेड पार्टीशन कम अप व्हेन द डिफरेंट सबसेट्स ऑफ अ पार्टीशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग। अब हम जितने, अगर हम इसको स्वाइप करेंगे तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन आते जाएंगे। A1 A2 को हमने स्प्लिट किया, मतलब कि अलग अलग वे में लिया, पहले A1 को लिया था फिर A2 को लिया था। अगर मान लो आपने A2 लिया A1 लिया तो हमें उतने डिफरेंट डिफरेंट आते जाएंगे। ठीक है, एज एज इन एग्जाम्पल अब वो हैंडलिंग द आउट प्रोग्राम सर्विंग रिफ्रेशमेंट स्टैंड एंड यूजिंग, जैसा हमने पिछले वाले प्रोग्राम में देखा था। अगर मान लो आप अलग अलग वे में करते हो, पहले क्या करते हो, रिफ्रेशमेंट स्टैंड को लेते हो, फिर मान लो गेस्ट के लिए वॉलंटियर देते हो, फिर इसके बाद आप डोर पे खड़े रहने के, तो आप इसको फ्लिप कर अलग अलग वे से टर्न करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन आते जाएंगे और वो सब डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा इसको इन जनरल समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ वे टू ऑर्डरेटेड पार्टीशन, हम कितने वे से इनको ऑर्डर पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो इन जनरल समझने के लिए, मान लो n एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है, आप उसको k सबसेट में डिवाइड करो, जिसका है k1 k2 k1 k2 k1 k, इतने सबसेट में डिवाइड किया है a1 a2 ak, और सारे ai में ar एलिमेंट्स है, मींस a1 में r1 एलिमेंट है, a2 में r2 एलिमेंट है, a3 में r3 एलिमेंट है, और सो लास्ट वाले ak सेट में rk एलिमेंट है। तो देखो आप NC1 लगाओगे पहला टास्क, NC1 लगाओगे तो N में से R एलिमेंट चूज करोगे तो बचेगा कितना आपके पास। अब पहले आप N में से R एलिमेंट चूज कर रहे हो तो बचेगा कितना, N-R एलिमेंट बचेगा। सबसे पहले N में से आप क्या कर रहे हो, R एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो बचेगा कितना, N-R बचेगा। अब N-R में से आप R2 सिलेक्ट कर रहे हो ना, R2 यहाँ पे सिलेक्ट करो। जैसे देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाले में, पहले आप 6 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे थे, बच कितना रहा था, 3 बच रहा था, तो 3 में से फिर 2 को कर रहे थे, 2 को किया तो बचा कितना 1, फिर 1 में से 1 को कर रहे थे। उसी तरह से आप क्या कर रहे हो, एन में से पहले आप R1 सिलेक्ट कर रहे हो, बचा कितना N-R, N-R में से R2 सिलेक्ट कर रहे हो, और सो ऑन ये करते जा रहे हो। तो आपको फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा, n फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल इनटू rk फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, ये r1 r2 rk को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास n के बराबर ही आएगा और आना चाहिए। ठीक है, तो इन जनरल आप ये वाला फॉर्मूला समझ लो कि n फैक्टोरियल रहा तो r1 r2 और डॉट 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 rk फैक्टोरियल बनेगा, जो हमने यहां पे लिस्ट किया है, n1 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल डॉट 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 rk फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा इन जनरल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, द एलिमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सबसेट A1 A2 AN आर नॉट ऑर्डरेटेड, मतलब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो अगर ऑर्डरेटेड नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, जो A1 A2 के अंदर के एलिमेंट है, लेकिन सेट A1 A2 A3 ये ऑर्डरेटेड सेट होने चाहिए। ठीक
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग ऑफ एन एलिमेंट्स इनटू द टू सबसेट्स। अगर टू सबसेट्स में डिसजॉइन कर रहे हैं तो पहले सेट में कितना आएगा आर वन, तो दूसरे सेट में कितना बचेगा एन माइनस आर वन। इज द एग्जैक्टली सेम एज द सिलेक्टिंग आर वन एलिमेंट फ्रॉम द सेट। पहले आप आर वन एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, एन में से आर सिलेक्ट करोगे तो फिर बचेगा कितना एन माइनस आर बचेगा सेकेंड वाले के लिए ना, तो एन में से आर सिलेक्ट करोगे आप लोग। तो पुट दिस फर्स्ट सबसेट एंड पुटिंग द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट सेकेंड सबसेट। पहले सेट में अगर आप आर एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हो तो बचेगा कितना सेकेंड सबसेट के लिए एन माइनस आर बचेगा, जो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया है। ठीक है एन माइनस आर बचेगा तो एन ये क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल, और फिर आर वन फैक्टोरियल, और सेकेंड क्या बचेगा एन एन माइनस आर टू फैक्टोरियल। तो ये आपका दो सेट के लिए बताता है जिसके अंदर दो सेट हो, पहला है पहले में आर वन एलिमेंट है और दूसरे में क्या है एन माइनस आर टू एलिमेंट है। ठीक है तो हमारे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है अच्छा अब हम एक और एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। मानो हाउ मेनी वे कैन द ग्रुप ऑफ सिक्स फ्रेंड एलेन केसी मैगी सेथ रोजर एंड बेथ। क्या करना है इन हाउ मेनी वे द ग्रुप ऑफ सिक्स फ्रेंड एलेन केसी मैगी सेथ एंड रोजर एंड बेथ बी असाइंड इन थ्री ग्रुप। थ्री ग्रुप और टू वेयर आर इन असाइंड टू हैंड आउट द प्रोग्राम। अच्छा मतलब कि थ्री ग्रुप में डिवाइड करना है और टू आर असाइंड टू द हैंड आउट द प्रोग्राम एंड टू असाइंड टू द रिफ्रेशमेंट स्टैंड एंड टू आर असाइंड टू यूजर्स। मतलब हमें क्या करना है तीन ग्रुप में डिवाइड करना है, हर एक ग्रुप में दो दो हैं। पहले वाले के लिए भी कितने हैं असाइन किए गए हैं, हैंड आउट प्रोग्राम के लिए भी दो, रिफ्रेशमेंट स्टैंड के लिए भी दो, और लास्ट वाले यूजर्स के लिए भी दो हमने दिए हैं। तो ये कितने वे से डन होगा, तो देखो सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। सिंस ईच पर्सन इज असाइन एग्जैक्टली वन ग्रुप, हर एक पर्सन एक ही ग्रुप में अलग अलग, ईच पर्सन इज असाइन टू एग्जैक्टली वन ग्रुप ना, हर एक पर्सन एक ही ग्रुप में असाइन होगा। दिस असाइनमेंट द पार्टीशन ऑफ सिक्स फ्रेंड। अब छह फ्रेंड को डिवाइड करना है, पार्टीशन कर रहा है छह फ्रेंड को, तो सबसेट आर इन डिस्टिंग्विशेबल ऑर्डर, एक ऑर्डर में आएगा। बिकॉज वन इज असाइन टू द प्रोग्राम एंड वन इज असाइन रिफ्रेशमेंट स्टैंड एंड वन इज यूजर। तो देखो ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, आपको इसी फॉर्मूले में यहाँ पे हमारे एन कितना है सिक्स है, सिक्स फैक्टोरियल, सेकेंड में कितना है टू फैक्टोरियल, देखो यहाँ पे टू फैक्टोरियल, यहाँ पे भी टू फैक्टोरियल, और तीसरा वाला भी टू फैक्टोरियल, तो सीधा यहाँ पे फैक्टोरियल डालेंगे। देखो यहाँ पे टू 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 और टू टू कितने बार थ्री टाइम्स आया, तो यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल डाल दिया। आप इसको कैलकुलेट करोगे 720, सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 720, 720 आ जाएगी, और फिर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगी 90। ठीक है तो ये इसका आंसर है। हमें क्या करना था छह फ्रेंड को थ्री ग्रुप से डिवाइड करना था और हर एक ग्रुप में दो दो थे, तो हमने छह फ्रेंड को दो दो में डिवाइड किया, डिवाइड किया और फॉर्मूला लगाया टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल थ्री टाइम्स आएगा इसलिए क्यूब कर लिया, इसको सॉल्व करके तो 19 आ जाएगा। अच्छा अभी देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन अ सेट ऑफ 10 पीपल बी डिवाइडेड इंटू अ ग्रुप ऑफ 5 और 3 एंड 2। अच्छा मतलब आपको क्या करना है इन हाउ मेनी वे कैन 10 पीपल बी डिवाइडेड इंटू द ग्रुप 5 3 2। अच्छा मतलब 10 पीपल्स का ग्रुप है, देखो तो यहाँ पे 10 पीपल्स का ग्रुप है, उनको 5 3 2 इनके ग्रुप में डिवाइड करना है, 5 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में, 2 के ग्रुप में। तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई किया 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, आप कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है उसी तरह से देखो आपको ये दे दिया गया है, आप इसको वैल्यूज रखोगे सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है अब ऑर्डरेटेड पार्टीशन, अभी ऑर्डरेटेड एक और क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ 9 हायर्स एट अ इलेक्ट्रिकल कार, द कंपनी विल स्प्लिट इंटू द थ्री ग्रुप्स। तीन ग्रुप में स्प्लिट कर रही है, 4 will stand द डॉल्स एंड 3 will लॉस एंजलिस एंड 5 पोर्टलैंड। इन हाउ मेनी वे कैन अ ग्रुप ऑफ न्यू हायर विल डिवाइड। तो आप देख रहे हो 4 को इन लोग क्या कर रहे हैं डॉल्स में कर रहे हैं, 4
और थ्री आर लॉस एंजलिस, तो थ्री यहाँ पे आ गया, और पोर्टलैंड में कितने कर रहे हैं, एंड फाइव टू बी पोर्टलैंड, तो यहाँ पे फाइव आ गया है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे इन लोगों ने कैलकुलेट किया है, आप नीचे देख सकते हो। तो यहाँ पे ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फोर को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करें, ट्वेल्व में से थ्री को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर ट्वेल्व में से फाइव को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पे यहाँ पे कितने थे, ट्वेल्व न्यू हायर्स थे। ठीक है, उसमें से पहले को चार को, फिर तीस तीन को, फिर इसमें पांच को, इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमें इसका आंसर यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, ये भी सेम प्रॉब्लम था उसी की तरह। और यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल टीचर विल स्प्लिट द क्लास 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट को स्प्लिट कर रहा है इन द ग्रुप ऑफ थ्री ग्रुप एंड 5 स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। और सारे, अच्छा, हमें प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर 15 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रही है कितने ग्रुप में, थ्री ग्रुप में, और 5 स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, मतलब हर एक ग्रुप में कितने हैं स्टूडेंट हैं, पांच है। देखो यहाँ पे 15 बच्चे थे और हर एक बच्चे को तीन ग्रुप में डिवाइड करना, और हर एक ग्रुप में पांच पांच स्टूडेंट होने चाहिए। तो देखो पांच 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 तीन ग्रुप में डिवाइड करना था, तो हर एक ग्रुप में पांच पांच स्टूडेंट आ रहे हैं। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो हमारे पास, तो क्या क्वेश्चन था, वन ग्रुप विल कलर, सेकेंड ग्रुप विल बी प्ले इन द सैंड बॉक्स, एंड द थर्ड स्टूडेंट थर्ड ग्रुप विल नैप, इन हाउ मेनी वे कैन द टीचर फ्रॉम द ग्रुप फ्रॉम द कलरिंग एंड सैंड बॉक्स प्ले विथ एंड नैपकिन, मतलब कितने वेज हैं हमारे पास, इन हाउ मेनी वे द टीचर कैन अ ग्रुप, ये पांच पांच के ग्रुप में डिवाइड करें, टीचर्स के पास कितने वे हैं कि स्टूडेंट्स को पांच पांच के ग्रुप में डिवाइड करें, एक कलरिंग करे, दूसरा मट्टी से खेले सैंड बॉक्स, और तीसरा क्या करे सो जाए, ठीक है, नैपकिन छपकी ले। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करोगे तो हमें उतने वेज आ जाएंगे कि टीचर्स के पास इतने वे हैं 15 स्टूडेंट्स को वो करने के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अनऑर्डरेटेड पार्टीशन। ये अब तक हमने जो पढ़ा वो ऑर्डरेटेड पार्टीशन के था, अब जो हम करेंगे वो अनऑर्डरेटेड पार्टीशन के बारे में है। ठीक है, अब ये अनऑर्डरेटेड पार्टीशन क्या होता है, अनऑर्डरेटेड पार्टीशन यहाँ पे हमने लिस्ट कर लिया है। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा, या इसी वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अनऑर्डरेटेड पार्टीशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और इसको समझेंगे कि अनऑर्डरेटेड पार्टीशन क्या होता है। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। ऑर्डरेटेड पार्टीशन में हमारा ऑर्डर मैटर करता है और हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रॉब्लम, हमने यहाँ पे तीन प्रॉब्लम देखे, एक प्रॉब्लम ये देखा, दूसरा प्रॉब्लम हमने ये वाला देखा कि 10 पीपल्स हैं और थ्री टू थ्री फाइव थ्री टू में डिवाइड करना था, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। और फिर हमने देखा ये 12 कार्स थे, इलेक्ट्रिकल कार थे, उसमें थ्री फाइव फोर थ्री फाइव में डिवाइड करना था, तो इसमें डिवाइड किए इतने वे आए। और प्री प्राइमरी स्कूल था, 15 स्टूडेंट थे, पांच पांच के ग्रुप में डिवाइड करना था, तो हमने डिवाइड किया इतने वेज आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अनऑर्डरेटेड पार्टीशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी।